नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि होस्टिंगर में आप खुद का ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको तीन की स्टेप्स है जो फॉलो करनी पड़ती है। पहला है रजिस्टर करना होता है डोमेन नेम और चूज करना होता है एक वेब होस्टिंग प्लान। दूसरा सेटअप करना होता है आपके डोमेन नेम को। और तीसरा इंस्टॉल करना होता है वर्डप्रेस को उस डोमेन नेम पे। तो ये तीन एक्टिविटीज जैसे आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो आपका ब्लॉग जो है उस पर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहां पर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ जाएंगे। और यहां पर जो आप प्राइस है वो है $0.99 पर मंथ की। अगर यहां पर आपको जो प्राइस जो है वो इंडियन रुपीज में चाहिए तो आपको एक ऊपर सिंबल आ रहा है ईएन का, उसे सेलेक्ट करना है और इंडिया इंग्लिश पे क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली इंडियन रुपीस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्लान की प्राइस है वो 59 रुपीस पर मंथ है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं आपके सामने तीन वेब होस्टिंग प्लान्स आ जाते हैं, सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग, बिजनेस वेब होस्टिंग। तो अब बात कर लेते हैं कि सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग और बिजनेस वेब होस्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप सिंगल वेब होस्टिंग को चूज करते हैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करने को मिलती है। लेकिन अगर आप प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ जाते हैं तो यहाँ पर 100 वेबसाइट्स होस्ट करने को मिलती है। इसी के साथ बात करें अगर ईमेल की तो यहाँ पर एक ईमेल अकाउंट्स मिलता है और यहाँ पर आपको 100 ईमेल अकाउंट्स मिलते हैं प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ में। इसी के साथ साथ मंथली विजिटर्स की अगर बात करें तो लगभग 1 लाख विजिटर पर मंथ जो है हैंडल कर सकता है सिंगल वेब होस्टिंग। लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो प्लान है इनका जो कि है प्रीमियम वेब होस्टिंग, उसमें आपको अनलिमिटेड मंथली विजिटर का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर फ्री SSL आपको सिंगल वेब होस्टिंग में भी मिल जाता है और प्रीमियम वेब होस्टिंग में भी। लेकिन फ्री डोमेन जो है वो आपको सिंगल वेब होस्टिंग के साथ में नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नेम प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ में और बिजनेस वेब होस्टिंग के साथ में मिलता है। तो ये तो बेसिक सा डिफरेंस हो गया सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग के बीच में। और प्रीमियम वेब होस्टिंग में जो भी फीचर्स हैं वो सारी की सारी बिजनेस वेब होस्टिंग में भी है। लेकिन एक मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि डेली बैकअप्स का, ये अगर आप बिजनेस वेब होस्टिंग सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बैकअप लेता रहता है। लेकिन प्रीमियम वेब होस्टिंग के केस में बैकअप और ये सारी एक्टिविटीज मैनुअल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो चूज करना है वो प्रीमियम वेब होस्टिंग कर लीजिए, क्योंकि अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि प्रीमियम वेब होस्टिंग सेलेक्ट करना है। इसके लिए इसको एड टू कार्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर की समरी आ जाती है। यहाँ पर आपका जो प्लान है वो ₹119 पर मंथ का है, 48 मंथ्स के लिए 70% का डिस्काउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹6,740 आपको पे करने हैं, जिसमें प्रीमियम वेब होस्टिंग के 5,712 और SSL के 0 रुपीज पे करने हैं। तो यहाँ पर ये चार्जेस हैं। इसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर ए फ्री डोमेन। यानी कि यहाँ पर आपको एक फ्री डोमेन मिल रहा है। तो जो भी डोमेन आपको समझ में आता है वो डोमेन आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद आप सर्च पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे और डोमेन अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको 0 रुपीज में यानी कि ₹602 का आपको डिस्काउंट मिलता है, 100% डिस्काउंट। और यहाँ पे फ्री में आपका डोमेन जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें डोमेन रजिस्ट्रेशन की तो आप देख सकते हैं 0 रुपीज का है, SSL सर्टिफिकेट 0 रुपीज और 5,712 वेब होस्टिंग का प्लान है। 24 मंथ्स का जो प्लान है वो आपको मिल जाता है 169 रुपीज में, जिसकी कॉस्ट आती है 4,800 रुपीज। और 12 मंथ का जो प्लान है वो आपको मिल जाता है ₹229 में, जिसकी कॉस्ट आती है 3,257 रुपए। तो यहाँ पर ये तो बात होगी प्लान की। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर चेकआउट नाउ पे क्लिक करना है। और जैसे ही चेकआउट नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको साइन अप करना है। तो यहाँ पर आप नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करके क्रिएट अकाउंट एंड चेकआउट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्रिएट अकाउंट एंड चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेमेंट का, जहां पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपॉल, यूपीआई और कार्ड्स का। तो इनमें से पेटीएम जैसे मैंने सेलेक्ट किया है। तो अब आपको यहां पर फिल करना है एड्रेस और बाकी की डिटेल्स। वो डिटेल फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू विद पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू विद पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू विद पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप लॉगिन करके और अपने डोमेन को सेटअप कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको वापस से होस्टिंगर की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड है उससे आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक वेलकम स्क्रीन आ जाती है कि जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू होस्टिंगर और बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई है। तो ये वेलकम मैसेज है। इसके बाद आपको इसे क्लोज करना है। तो यहाँ पर आपके पास तीन डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, सेटअप के अंदर, प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग, एसएसएल सर्टिफिकेट का एक्टिवेशन और डोमेन का रजिस्ट्रेशन।
तो इनको सेटअप करने से पहले आपके पास ऊपर एक मैसेज आ रहा है कि वी हैव सेंट ए वेरिफिकेशन ईमेल टू जो भी ईमेल आईडी है, चेक द ईमेल एंड क्लिक द कंफर्मेशन लिंक टू कंप्लीट द ईमेल अपडेट। तो यहां पर करना क्या है आपको, आपको आपके जीमेल आईडी या जो भी ईमेल आईडी आपने दिया है उस ईमेल आईडी पे जाना है। यहां पर जाके आपको क्या करना है, कंफर्म माई ईमेल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म माई ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रीडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे जब आप चेक करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जो मैसेज आ रहा था ईमेल को कंफर्म करने का वो अब हट गया है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है कि जो डोमेन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है जिसके आगे वेब होस्टिंग इनसाइट्स डॉट एक्स वाई जेड एक डोमेन नेम आ रहा है, उसके सामने सेटअप का बटन है, इस सेटअप के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक पेज आ जाएगा जिसके अंदर पिक योर डोमेन के अंदर आपका डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम को सेलेक्ट करना है। नीचे आपके पास ऑप्शन मिल जाता है सर्वर की लोकेशन को चूज करने का, नॉर्थ अमेरिका जैसे सेलेक्टेड है आप इसको एशिया या दूसरी यूरोप लोकेशंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके पास एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाता है जिसके अंदर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। उसके बाद आपको सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटअप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद तीसरे स्टेप में आपके पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि इंस्टॉल वर्डप्रेस का, ऑटो इंस्टॉलर का, वेबसाइट बिल्डर का, फाइल मैनेजर का, एक्सेस मैनेजर का, और नीचे ऑप्शन आता है आपके पास स्किप दिस आई डू इट लेटर। तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर स्किप पे क्लिक करना है अगर आपको वर्डप्रेस यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने स्किप पे क्लिक किया तो यहाँ पर डोमेन का सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। होस्टिंग के आगे पहले येलो कलर में सेटअप आ रहा था, अब वो मैनेज आ रहा है। अब हमें करना क्या है, SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट करना है। इसके लिए सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप डाउन में आपकी डोमेन का नाम। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटअप पे क्लिक करना है। योर SSL हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो आपका SSL जो है, जो डोमेन आपने खरीदा था उस पर एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर अब आपको क्या है, कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मैं होस्टिंग पे जाता हूं तो यहाँ पर आपके पास वेब होस्टिंग इनसाइट्स डॉट एक्स वाई जेड इसके आगे मैनेज का ऑप्शन आ जाता है। प्रीमियम वेब होस्टिंग है हमारी, रिन्यू का ऑप्शन आ रहा है और अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसे बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अपग्रेड की और रिन्यू करने की। अब आपको करना क्या है कि वेब होस्टिंग इनसाइट्स डॉट एक्स वाई जेड जो है इसके आगे जो मैनेज का बटन आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑर्डर का, अकाउंट्स का, यूजर नेम आ जाता है, डोमेन आ जाता है, आईपी एड्रेस आ जाता है। तो बहुत सारी इस तरह की डिटेल्स आ जाती हैं यहाँ पर कि ऑर्डर के अंदर आप ऑर्डर के यूजर्स चेक कर सकते हो, ईमेल के अंदर ईमेल अकाउंट्स, ईमेल फॉरवर्डिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं, डोमेन के अंदर सब डोमेन, पार्क डोमेन, एड वेबसाइट, रीडायरेक्ट्स, क्लाउड फ्लेयर, तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। और इसके साथ साथ वेबसाइट के अंदर वेबसाइट बिल्डर, ऑटो इंस्टॉलर, इंपोर्ट वेबसाइट, इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करना होता है, और ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करके आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपको फाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर फाइल मैनेजर और बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है। FTP अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेसेस के अंदर MySQL डेटाबेसेस, PHP एडमिन आपका मिल जाता है। तो ये बेसिक सी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं ईमेल्स की तो यहाँ पर आपको प्रीमियम ईमेल परचेज करना होता है। इसके बाद बात करते हैं डोमेन्स की तो डोमेन के अंदर आपको आपका डोमेन कब रजिस्टर्ड हुआ था, कब एक्सपायर होने वाला है। जैसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट नेम सर्वर्स मिल जाते हैं, ये आपके नेम सर्वर्स की डिटेल है। और नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती है जहां पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। इसके बाद बात कर लेते हैं SSL की तो SSL सर्टिफिकेट जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है, तो मैनेज पे क्लिक करके आप अपने सर्टिफिकेट को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बिलिंग की तो यहाँ पर बिलिंग के अंदर क्या है कि जो भी आपने परचेज किया होस्टिंग और डोमेन नेम तो उससे रिलेटेड बिल्स और डिटेल्स जो ट्रांजेक्शन की वो सारी अवेलेबल रहती है। हेल्प में या फिर चैट पे जाकर आप इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको होस्टिंगर के लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है वेब होस्टिंग इनसाइट्स डॉट एक्स वाई जेड, इसके सामने आ रहा है मैनेज का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं नीचे जाना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन वेबसाइट के अंदर ऑटो इंस्टॉलर का। तो इस ऑटो इंस्टॉलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाते हैं, जैसे वर्डप्रेस, जूमला, प्रेस्टाशॉप, ओपन कार्ड, PHP, बीबी, ड्रुपल। तो हमें क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। जैसे आप वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक पॉपअप ऑप्शन आ जाता है।
इस पॉपअप ऑप्शन में आपको रिक्वायर्ड डिस्क स्पेस कितना है उसको देख लीजिए, रिक्वायर्ड मिनिमम पीएचपी वर्जन क्या है। इसके बाद आपका पीएचपी का वर्जन, MySQL का वर्जन नीचे आ जाता है, आपकी वेबसाइट का डोमेन जो भी आपने परचेज किया था वो आ जाता है, उसके नीचे आपको एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल डालना होता है, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको डालना होता है टाइटल। और यहां पर जब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक अपडेट्स की, तो ऑटोमेटिक अपडेट्स आपको टर्न ऑफ कर देने चाहिए, डायरेक्टली ऑटोमेटिक अपडेट्स नहीं होने चाहिए, आप खुद चेक करके उसको अपडेट करना चाहिए। तो यहां पर सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। तो यहां पर मैंने मेरी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है, इंस्टॉल पे क्लिक करता हूं। यहां पर आप देखिए कि लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के अंदर वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गया है। यहां पर वेब होस्टिंग इनसाइट्स डॉट xyz ये मेरा जो डोमेन है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। डिटेल्स पे आप क्लिक करके इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि एडमिन का यूजर नेम क्या है, ईमेल क्या है और डेटाबेस का नेम क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाती है। इसके बाद आपको अगर वर्डप्रेस ओपन करना है तो यहाँ W जो वर्डप्रेस का आइकन दिख रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही क्या होगा कि आपका जो डोमेन है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए कि आपसे अब ये यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो यहां पर आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त, तो वही यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपको लॉग इन करना है। यहां पर मैं एक बार दोबारा से ओपन करके दिखाता हूं कि यहां पर जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या डोमेन ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने का तरीका क्या है कि आपका डोमेन जो है वो है abc.com। तो आपको करना क्या है, abc.com/wp-admin डाल के एंटर मारेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा जहां पर आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉग इन पे क्लिक करना है। तो यहां मैंने मेरा यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया है, मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिख जाता है जिसके अंदर आपके पास पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन, सेटिंग्स, इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि जनरली अगर आप ब्लॉगर पे करते हैं तो वहां पर ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। यहां पर आपके पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा खासा अवेलेबल है, तो यहां पर आप अपने ब्लॉग को कस्टमाइज कर सकते हैं और जैसा चाहे वैसा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था होस्टिंगर के अंदर पूरा डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह से आप बेस्ट वेब होस्टिंग प्लान को चूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ डोमेन सेटअप से लेकर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन तक मैंने आपको करके सिखाया है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।